विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्ह आसुव। आत्मीय स्वजनों, गीता विषाद से मोक्ष तक श्री कृष्ण के संग हमारी यात्रा अब उपसंहार की ओर जा रही है। आज 17वां अध्याय, इसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। अर्जुन के प्रश्न से इस अध्याय का आरंभ होता है। पूछता है अर्जुन, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। थोड़ा सा स्मरण करा दूं कल के प्रवचन का। 16वें अध्याय के अंत में दो श्लोकों में, 16वें अध्याय का 23 और 24वां श्लोक, दो श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने शास्त्र की महिमा की, शास्त्र विधि का गौरव किया और स्पष्ट बताया कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगति। जो शास्त्र विधि को छोड़ करके अपनी मनमानी करना चाहते हैं, उन लोगों को न तो कार्य में सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, न परम गति प्राप्त होती है। अब इतनी स्पष्ट बात जब परमात्मा श्री कृष्ण ने कह दी तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न निर्माण हुआ, जो यहां 17वें अध्याय के आरंभ में वो पूछ रहा है कि प्रभु, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य। कई लोग ऐसे हैं जो शास्त्र विधि को छोड़ते हैं, जानते हुए अनजाने में शास्त्र विधि का पालन नहीं कर सकते, लेकिन यजन्ते श्रद्धयान्विताः, जो भी करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, सत्कर्म करते हैं, वो श्रद्धा से होकर, श्रद्धा से युक्त होकर करते हैं। तेषां निष्ठा तु का कृष्ण, हे कृष्ण तो फिर उनकी निष्ठा क्या होती है? सत्वमाहो रजस्तम, वे सात्विक कहलाएंगे, राजसी कहलाएंगे या तामसी कहलाएंगे? प्रश्न समझ में आया? शास्त्र विधि या तो जानते नहीं है, जानने का उनके पास कोई मार्ग नहीं है, या अनजाने में ही शास्त्र विधि का उल्लंघन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कई बार जानबूझकर करना पड़ता है, लेकिन जो करते हैं वो श्रद्धा से करते हैं, तो फिर क्या होगा इनका परिणाम? अब जब अर्जुन ने श्रद्धा की बात की, ये पूरा अध्याय ही श्रद्धा त्रय विभाग योग है, तीन प्रकार की जो श्रद्धा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर उत्तर आरंभ करते हुए कहा, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा। मनुष्य के स्वभाव के साथ ही निश्चित हुई, स्वाभाविक रूप से तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। जैसे तीन गुण होते हैं सत्व रज तम, इस प्रकार ये तीन प्रकार की श्रद्धा होती है, सात्विकी, राजसी चैव तामसी च इति ताम शृणु। सुन अर्जुन, अब मैं बता रहा हूं तुझे। पहली बात तो सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। मूलतः जो श्रद्धा का स्वरूप है, श्रद्धा का जो तत्व है सभी का, वो सत्व के अनुरूप ही होता है। श्रद्धा का अर्थ ही है, हम कर चुके हैं पहले के प्रवचनों में इसका अर्थ, सत्य को धारण करने की शक्ति, यह श्रद्धा है। वो सात्विक ही होती है, श्रद्धा अपने स्वभाव से सात्विक है सबकी। जैसे कोई भी बालक छोटा हो, जन्म ले तो वो सात्विक ही होता है, वो निर्दोष ही होता है। ऐसे मनुष्य के अंतःकरण में प्रकट होने वाली श्रद्धा जो है वो मूलतः सात्विक होती है, क्योंकि श्रद्धामयोयम पुरुषः, ये व्यक्ति मूलतः श्रद्धामय है।
प्रिय स्वजनों, श्रद्धा के बिना तो जीवन भी नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति भले कहे कि हम किसी में श्रद्धा नहीं रखते, वो बात गलत है, वो स्वयं अपने आप को नहीं समझा। श्रद्धा के बिना जीवन संभव नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। घर से निकलकर आप दफ्तर तक जाते हैं, रास्ते में चलकर, या तो घर से निकलकर दुकान में जाते हैं कुछ खरीदी करने के लिए। ये जो निकलकर आप रास्ते पर चल रहे हैं ना प्रिय स्वजनों, आपके भीतर श्रद्धा है, इसलिए घर से निकलकर चलते हुए जाते हो। श्रद्धा यह है कि मैं घर से निकल रहा हूं, कोई मुझे मार नहीं डालेगा। यदि आपके श्रद्धा ना होती तो आप घर का दरवाजा खोल के बाहर ही ना निकलते। क्या करूं, मैं घर से बाहर निकलूं, कोई आके मार देगा, मुझ पर प्रहार कर देगा। देखिए, अब मैंने कहा तो शायद ये विचार आएगा, नहीं तो ये विचार भी नहीं आता कभी। ये श्रद्धा है कि मैं घर से दुकान में जा रहा हूं, सामान खरीद के वापस लौटूंगा। ये श्रद्धा है तुम्हारी। पूरा जीवन जो चलता है श्रद्धा से चलता है। भोजन करने जब बालक बैठता है, थाली में जो भोजन है परोस के, माँ ने परोसा हुआ, वो खा रहा है। क्यों? उसको पता है कि मेरी माँ ने सही बनाया होगा, इसमें विष मिलाया हुआ नहीं होगा। अरे आप होटल में जाकर भी खाना खाते हैं, आपको पता है, आप 20-50-100 जो भी खर्च करके खाना खा रहे हैं, उसको आपको पता है कि इससे मेरी तबीयत नहीं बिगड़ने वाली, या भोजन में कुछ मिला हुआ नहीं है, देयर इज नो पॉइजन इन दिस, तभी तो आप आनंद से वो भोजन कर सकते हैं। भोजन की थाली आपके सामने परोसी और आपके मन में श्रद्धा न हो, शंका आ जाए कि इसमें कुछ मिला हुआ होगा, तो आप भोजन ही नहीं कर पाओगे। प्रिय स्वजनों, रास्ते पर कहीं जाने के लिए आप टैक्सी में बैठते हो, अनजाना आदमी है परिचय वो ड्राइवर, लेकिन आपको श्रद्धा है कि वो आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा, इसीलिए तो आप उस टैक्सी में बैठते हो। फ्लाइट में प्रवास करते हो, पायलट को पहचानते हो आप? नहीं पहचानते, लेकिन आपको पता है कि आपको उतार देगा, वो लैंडिंग सेफ करा देगा। छोटी छोटी बातों में कैसी श्रद्धा से हमारा जीवन चलता है। श्रद्धामयो यम पुरुषः, श्रद्धा ये हमारा स्वभाव है प्रिय स्वजन, और स्वाभाविक जो श्रद्धा है वो सात्विक होती ही है। फिर जो कृष्ण ने कहा, यो यच्छ्रद्धः स एव सः, अब जैसी जिसकी श्रद्धा वैसा वो। सात्विक श्रद्धा रखेगा, जीवन सात्विक बनेगा। राजसी श्रद्धा होगी, राजसी बनेगा। तामसी श्रद्धा होगी, तामसी बनेगा। श्रद्धा तो है ही। कैसी होती है लोगों की, देखिए, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसी राजसा। जिसकी सात्विक श्रद्धा होती है वो देवताओं की उपासना करते हैं। राजसी श्रद्धा वाले यक्ष रक्षाओं से, राक्षसों की, यक्षों की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। और जो तामसे जनाहा होता है, तामसी लोग होते हैं, वे प्रेतान भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा। प्रेत की, भूत की, मनुष्यों की, किसी कबरों की जाके ऐसी सब पूजा करने वाले लोग, कबर में लेटे हुए लोगों की, ये सब तामसी श्रद्धा वाले लोग हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम खड़ा हुआ है, लोग कब्र में लेटे हुए की पूजा करते हैं, मुझे तो हंसी आ रही। स्वयं परमात्मा जब भारतीय सनातन संस्कृति में अवतार लेकर आया है, मामेकम शरणम व्रज, हिम्मत से कहता है, और लोग मुर्दों की सेवा करें, मुर्दों की पूजा करें, मुर्दों पे जाके चद्दर चढ़ा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। इतनी गौरवंती भारतीय संस्कृति होने पर लालची लोग पता नहीं कहां कहां जाके दूम हिलाते रहते हैं। शब्द मेरे थोड़े कठोर होंगे, लेकिन मेरी वेदना व्यक्त हो रही है। कष्ट होता है जब मैं देखता हूं सनातन वैदिक संस्कृति के लोग कुछ लालच से भरे हुए न जाने कहां कहां धागा बांधने चले जाते हैं, भस्म लगाने चले जाते हैं, चद्दर चढ़ाने चले जाते हैं मुर्दों के ऊपर, और ये स्वार्थ वृत्ति का लाभ लेकर के वो भी कहीं न कहीं बस लगा दो, कहीं भी बना दो कुछ भी। ये प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए।
पूर्ण परब्रह्म हमारे यहाँ आया है, वेदों का ज्ञान ऋषियों ने हमें दिया है, उपनिषदों का भंडार हमारे पास पड़ा है, कहां भटक रहे हैं हम जाकर के बाहर। तो तामसी श्रद्धा है ये, ऐसे प्रेतों के पीछे, भूतों के पीछे, अन्य लोगों के पीछे भागने वाले। जो लोग उपासना करते हैं तब करते हैं, लेकिन अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः। शास्त्र विहित, अशास्त्र विहितम, शास्त्र के विरुद्ध घोर भयंकर तप तो करते हैं, लेकिन दंभाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। दंभ से अर्थात दिखाने के लिए, अहंकार से, हमने ऐसा तप किया, हमने ऐसा किया, 15 दिन तक हम भूखे रहे, ये अहंकार को बढ़ावा देता है। काम राग बलान्विताः, कामना से, राग से, बल से ऐसे करते क्या है वो, कर्षयंत शरीरस्थं भूतग्रामवचेतसः, शरीर को पीड़ा देते हैं। कई लोगों की तपस्या देखो, भूखो रहना दिनों दिनों तक, हफ्ते हफ्ते तक, 15-15 दिन तक, महीने महीने तक, और फिर पेपर में फोटो छपवाते हैं, 2 महीने से कुछ खाया नहीं, 2 महीने से कुछ, फोटो छपवाने के लिए तुम भूखे रहे, शरीर को कष्ट दिया। बाल सीधे सीधे कटवा सकते हैं, है सुविधा, विज्ञान ने आपको कैंची दी है, खींच करके बाल कटवाएंगे। जब नहीं था ये सब तब करते थे, ठीक है, अब क्यों ऐसे शरीर को कष्ट दे रहे हो? और शरीर को भगवान श्री कृष्ण तो कितनी रैशनल लॉजिकल बात करते हैं। भगवान कहते हैं मान चैवान्त शरीरस्थं तान विद्यासुर निश्चयन, ये जो ऐसे ऐसे शरीर को कष्ट देते हैं वो शरीर में रहे हुए मुझे कष्ट दे रहे हैं, कृष्ण कहते हैं, क्योंकि शरीर में मैं हूं। कोई भी माता, प्रिय स्वजनों, आप के संतान होंगे, माता होंगे, आप पिता होंगे, आपका पुत्र या आपकी पुत्री भोजन न करे एक समय का भी, मैं तो एक दिन की भी बात भी नहीं करता, एक समय का भी भोजन न करे, एक दिन भोजन न करे, आपको कितना कष्ट होता कि मेरी संतान ने भोजन नहीं किया। बेटा तेरा तब स्वास्थ्य कैसा है, तबीयत ठीक है ना तेरी, क्यों नहीं किया तूने, कुछ चिंता है तुझे, किसी ने कुछ कहा? अब कितना उसका ध्यान रखते हो आप, दिनों दिनों तक भोजन न करो, क्या परमात्मा प्रसन्न होगा? वाह वाह मेरा बेटा 15 दिन से खाया नहीं है, परमात्मा भी कष्ट होता। और परमात्मा हमारे भीतर बसा हुआ है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, 15वें अध्याय में श्री कृष्ण कह चुके हैं। क्या अधिकार है हमें ऐसे शरीर को कष्ट देने का? व्रत के रूप में, नियम के रूप में, कुछ घंटे के लिए, एक दिन के लिए करें, वो बात समझ में आती है, लेकिन शरीर को पीड़ा देना, शरीर को कष्ट देना। एक दृष्टांत दूं, मैं समझाऊं आपको, आप सब बुद्धिमान लोग हैं प्रिय स्वजनों, आप चिंतन करना इसके ऊपर, और भगवान श्री कृष्ण कितनी बुद्धिगम्य बात करते हैं वो समझना। समझ लीजिए, मेरे घर में काम करने वाला कोई व्यक्ति है, पूरे दिन मैं उसके पास काम कराऊं, मजदूरी कराऊं, और यदि मैं उसको भोजन न दूं तो आप लोग क्या कहोगे? कमाल हो, कैसे संत हो आप, घर के आदमी के पास 24 घंटा काम कराते हो, खाना पीना उसको कुछ देते नहीं, आप मेरी निंदा करोगे आप, और आपकी निंदा सही है, मैं स्वयं कहता हूं आपकी निंदा सही है। यदि मैं किसी व्यक्ति के पास 24 घंटे काम कराऊं और उसको भोजन न दूं तो आप निंदा करोगे मेरी, लेकिन वही यदि मैं अपने साथ करूं तो मैं स्वयं मेरे शरीर के पास 24 घंटे काम कराऊं और मेरे शरीर को भोजन न दूं तो
आप फूल की मालाएं लेकर आओगे मुझे पहनाने के लिए। वाह वाह भूपेंद्र भाई जी, आप तो कितने बड़े संत, कितने तपस्वी, 24 घंटे काम करते हैं फिर भी भोजन नहीं करते, 10-10 दिन तक आपने भोजन नहीं किया, कमाल है। जो व्यवहार मैं दूसरे व्यक्ति के साथ करूं तो आप मेरी निंदा करोगे, वही व्यवहार मैं अपने साथ करूं तो आप मुझे फूल मालाएं पहनाओगे। ये तो अर्थ ऐसा हुआ कि बंदूक की नली दूसरे के तरफ हो तो वो दोष है, लेकिन वही बंदूक की नली अपने तरफ आ जाए तो गुण बन जाती है। कष्ट तो कष्ट है, शरीर में भगवान तो वही है। प्रिय स्वजनों, बहुत स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसी पीड़ा देने वाले लोग कर्षयंत शरीरस्थम भूत ग्राम मचेत सह मान चैवांत शरीरस्थम, मुझे ही कष्ट देते हैं, और तान विद्धि असुरान निश्चयान, उनको निश्चय रूप से असुर समझो। तो ऐसी शरीर को बहुत कष्ट देने वाली, पीड़ा देने वाली तपश्चर्याएं मत करना प्रिय स्वजनों, उससे कोई कुछ सिद्ध नहीं होता है, केवल सेडिस्टिक प्लेजर आती है और कुछ नहीं आता, बस दमन का आनंद किसी को आता होगा तो क्या पता। वो सातवें श्लोक में भगवान कहते हैं आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस् तपस् तथा दानं तेषां भेदमिमं श्रुणु। सब तीन प्रकार के हैं, आहार, यज्ञ, तप और दान, ये तीन प्रकार के हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। और ये अभी प्रभु बताएंगे, पहले आहार से आरंभ करते हैं, भोजन। देखिए प्रिय स्वजनों, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने एक भी विषय छोड़ा नहीं। मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक, स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक भोजन जो है वो भी कैसा होना चाहिए। अध्यात्म के शिखर की तो बात की है, लेकिन बेसिक नेसेसिटी भोजन को भी श्री कृष्ण चुके नहीं है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर स्वस्थ रहेगा तो धर्म की साधना हो पाएगी, शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो धर्म की आराधना कैसे करोगे। तीन प्रकार का आहार, सात्विक, राजसी और तामसी, अनुक्रम से आठवें, नौवें और दसवें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं सात्विक आहार कैसा होता है, सात्विक लोगों को कैसा आहार प्रिय होता है। आयुस्सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहार सात्विक प्रिया। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, जो आयुष्य बढ़ाए, विच एड्स लॉन्जिविटी, इंक्रीजेस लॉन्जिविटी। सत्व अपने भीतर सत्व बढ़ाए, इटर्निटी बढ़ाए, तेज बढ़ाए, बल बढ़ा, बल में वृद्धि करे, आरोग्य हेल्थ की वृद्धि करे, सुख बढ़ाए। यू शुड फील हैप्पी अबाउट, हैप्पी आफ्टर ईटिंग इट। द फूड शुड बी सच दैट इट इंक्रीजेस योर हैप्पीनेस। प्रीति प्रेम बढ़ाए। ये सोचो, आप कहोगे भोजन करने से प्रेम बढ़ता है, ऑफ कोर्स बढ़ता है, जैसा अन्न वैसा मन, और प्रेम ये मन का विषय है। अन्न यदि अच्छा किया होगा तो व्यक्ति को स्वयं से, अन्न बनाने वाले से, परिवार के अन्य जनों से जिनके साथ बैठकर के भोजन किया जाता है, क्योंकि नियम ऐसा है जिसके साथ प्रेम होगा उसी के साथ आप भोजन करोगे। कॉन्वर्सली जिसके साथ बैठकर आप भोजन करते हो उसके साथ प्रेम में वृद्धि होनी ही चाहिए। सुख प्रीति विवर्धना, ऐसा आहार होना चाहिए। रस्या, रसपूर्ण होना चाहिए। स्निग्धा, इट शुड बी विथ स्निग्ध, स्निग्ध का अर्थ है ऑयली, ऑयली मतलब ये नहीं, यहां स्निग्ध का अर्थ है घी वाला। मैं स्पष्ट कहूं प्रिय स्वजनों, मैं भी उसका शिकार हुआ हूं, इसलिए हंसते हुए कह रहा हूं। आयुर्वेद ने हमेशा कहा कि स्नेह अर्थात घी ये भोजन का अविभाज्य अंग है।
वेद लक्षणा भारतीय गायिका शुद्ध घी वो भोजन का अविभाज्य अंग होना चाहिए जिससे शरीर को पुष्टि मिलती है। मॉडर्न रिसर्च के चक्रावे में आकर 15 साल तक सूखी रोटियां तोड़ी, अब वही साइंस कहता है कि नहीं घी तो अच्छी बात है, घी तो खाना चाहिए। अरे भैया आपने 15 साल तक सूखी रोटियां तोड़वाई हमसे। स्निग्धाः ये सात्विक आहार है, स्थिरा रुद्या हृदय को भी प्रसन्न करे और स्थिर होकर रहे आहार, ऐसा सात्विक लोगों को प्रिय होता है। प्रिय स्वजनों इसका अर्थ ये भी होता है कि जीवन में यदि हम सात्विक गुण का उदय करना चाहते हैं तो इस प्रकार का आहार अपना होना चाहिए। राजस आहार कैसा होता है? कट्वम ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः। कट्व बहुत कड़ुआ, अम्ल बहुत खट्टा, लवण अत्यंत नमकीन। पता नहीं कुछ लोग, पता है ये मुझे बहुत फनी लगती है ये सब बातें, कुछ लोगों को आदत होती है भोजन के लिए बैठो तो जो भी आया उसके ऊपर तुरंत नमक डालना शुरू कर देंगे। अरे सबके ऊपर क्यों नमक डाले जा रहे? सलाद भी खाएंगे, कच्ची हरी सब्जियां, खीरा हो, गाजर हो, मूली हो, कितनी अच्छी लगती है। अब उनके ऊपर नमक डाल के खाएं, अरे ये ऐसे ही खाओ, इसका गुण ऐसे ही खाने में है। मजाक में मुझे कई बार लगता है जिसके अपने में नमक कम होता है ना वो सबके ऊपर नमक डाल के खाता है। अतिशय मर्यादा से अधिक ये नमक लेना ये अच्छी बात नहीं, ये राजसी लक्षण है। उष्ण बहुत गरम गरम गरम, मुझे तो ऐसी कोई आदत नहीं चाय पानी की, कभी चाय चखी भी नहीं, लेकिन कुछ लोग चाय भी पियेंगे तो इतनी गरम गरम, दाल भी लेंगे तो इतनी गरम गरम चाहिए इनको, पता नहीं कैसे करते होंगे, लेकिन ये रजोगुणी है इतनी बात सही है भगवान श्री कृष्ण के। तीक्ष्ण तेज, तीखा बहुत ज्यादा तीखा, रुक्ष सूखा सूखा खाना, विदाहिनः जो बाद में जलन करे, दाहक हो, कहते हैं ना वो एसिडिटी जलन करती है ना, हाँ तो एसिडिटी करने वाले जलन करने वाले जो आहार हैं, खाएंगे तीखा तीखा फिर कहेंगे अब बहुत जल पेट में जलन हो रही है, ऊपर आइसक्रीम खाओ उसके बाद भी जलन हो रही है तो कुछ गोलियां खाओ, लेकिन उससे अच्छा थोड़ा तीखा कम खाओ ना, थोड़ा रजोगुण कम करो। तो विदा ही ना जलन करने वाला ऐसा जो आहार होता है वो राजसस्येष्टा, ये आहार राजस लोगों को रजोगुणी लोगों को प्रिय होता है। और वह आहार क्या करता है? दुख शोकामय प्रदाह, ये दुख निर्माण करता है, शोक निर्माण करता है और तबीयत भी बिगाड़ता है। देखिए अन्न का असर मन पर होता ही। अब ये अतिशय मसाले वाले अतिशय तीखे ऐसे आहार खाओगे तो मन दुखी रहेगा, मन शोक में रहेगा। सात्विक आहार खाओगे तो मन प्रसन्न रहेगा, सुख प्रीति विवर्धना। और तामस यातयामम गतरसम पूति पर्यूषितंच यत। यातयामम जिसके ऊपर से एक रात बीत चुकी है, ऐसा गतरसम जिसका रस चला गया है, पूति पूति का अर्थ दुर्गंध मारने वाला, बास ठीक नहीं आती उसमें से तो वो भी कुछ लोग खा जाते पता नहीं क्यों। पर्योषितम वासी बासी खाना, उच्छिष्टम झूठा, उसके ऊपर मैंने शायद 16 अध्याय में ही चर्चा की थी, ये झूठा खाना शौच में, हाँ शौच में बात की थी हमने इसकी। तो झूठा अमेध्यम, अमेध्यम का अर्थ न खाने जैसा, मेध्य का अर्थ होता है पवित्र, अमेध्य अपवित्र मांसाहार है, न खाने जैसी चीजें हैं, ये सब अमेध्य कहा जाता है, अपवित्र कहा जाता है। ऐसा जिसको पसंद है भोजन वो तामस प्रियम, वो तामसी भोजन है। बच्चों प्रिय स्वजनों ऐसे हो सके तब तक फ्रेश फूड खाओ,
पहले तो केवल वेस्टर्न वर्ल्ड में था, अब तो भारत में भी आ गया है। रेडी टू ईट पता नहीं कहाँ बना हुआ, केवल माइक्रोवेव में डालो, गरम करके ले लो, 6-6 महीने तक का पुराना खाना। क्यों? भाग्यशाली है वो लोग जिनके परिवार में रोज का फ्रेश भोजन बनता है और रोज उसको कंज्यूम किया जाता है। रेफ्रिजरेटर ये स्वास्थ्य का शत्रु है। आवश्यकता क्यों पड़नी चाहिए रेफ्रिजरेटर की? तो तामस लक्षण है। अब यज्ञ का प्रकार प्रभु बताते हैं, 3 प्रकार के यज्ञ, 11, 12 और 13। ये 3 श्लोकों में भगवान ने सात्विक अनुक्रम से सात्विक, राजसी और तामसी, ये 3 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। सात्विक यज्ञ कौन सा है? अफलाकांक्षी यज्ञो विधि दृष्टो यज्यते, निष्काम भावना से जो किया जाता है, फल की अभिलाषा के बिना जो यज्ञ किया जाता है। और विधि दृष्टो, विधि पूर्वक, जो भी शास्त्र की परिपाटी है, विद्वान ब्राह्मण की उपस्थिति में शुद्ध मंत्रोच्चार के साथ विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है। और यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः, मुझे यज्ञ करना है, बस इच्छा हो गई, मुझे यज्ञ करना है, मन के समाधान के लिए जो किया जाता है यह यज्ञ सात्विक यज्ञ माना गया है, जो विधि पूर्वक किया जाता है, शास्त्र प्रमाण से किया जाता है। राजसी यज्ञ कौन सा है? अभिसंधायतु फलम, पहले तो फल तय कर लेते हैं, ये फल चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब शास्त्रों ने बताए ऐसे भी यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ है, परजन्य यज्ञ है, बहुत सारे यज्ञ हैं ऐसे, फल निश्चित करके, ये फल चाहिए तो ये यज्ञ करो, उसको राजसी यज्ञ कहा गया है। दंभार्थम अपि चैव यत्, कई बार दंभ के लिए, हिपोक्रेसी के लिए किया जाता है, दिखाने के लिए किया जाता है। इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम, वो राजस यज्ञ है। और तामसी यज्ञ विधिहीनम, जो कोई विधि का जिसमें पालन नहीं किया जाता, 2-5 लोग इकट्ठे हो करके ऐसे सब, आज कलयुग में बहुत खेल चल रहा है, ऐसे कपट चल रहे हैं, लोगों को छलने के काम चल रहे हैं, मिट्टी के ऐसे पात्र में जहां दिया जलाया जाता है ना, ऐसे गुजराती में कोड़ियों के वाय शकोरू, उसमें दिए के अंदर, बोल के दीप यज्ञ, ये दीप यज्ञ निकाला कहां से, भी शास्त्र में प्रमाण दिखाओ, नहीं है। इतने के अंदर एक दिए की ज्योत रख के उसमें जौ तिल डालते हैं, ये कहां से है? विधिहीनम, बिना विधि का ये यज्ञ होता है, कुछ भी नाम दे देंगे। वैदिक ऋषियों ने कितने बड़े बड़े यज्ञ और उसके शास्त्र विधि के प्रमाण के साथ है, ये मंत्र बोलने चाहिए, ये औषधियों का आहुति देनी चाहिए, इतना सब रिसर्च करके लिखा। अब इसका तो अभ्यास नहीं करते, केवल नाम उठा लिया, सोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा अश्वमेध यज्ञ करने लगा। कैसे? 50 लोगों को बिठा दिया, इतनी छोटी सी मटके मिट्टी के पात्र में दिया जला करके बोलो। अच्छा, दूसरा कोई मंत्र भी नहीं, कोई एक मंत्र आता होगा, वो इस एक मंत्र से सब यज्ञ कैसे होगा? दुख होता है प्रिय स्वजन, ये सब समाज में देखते हैं तो अंधा अंधम थे लिया, उपनिषद की भाषा में कहूं, वेदों की भाषा में कहूं, अंधे नैव नियमाना यथांधा, लोग तो बेचारे भोले हैं लेकिन उनके पास ये काम कराने वाला अंधा व्यक्ति है, छल करने वाला है, स्वार्थी है, और लोग उसके ऊपर भरोसा रखे जाते हैं, उन्होंने बताया हम तो कर रहे हैं, ये सब व्यर्थ है प्रिय सुजन। ये तामसी है, श्री कृष्ण कहते हैं, विधि जिसमें नहीं होती, विधि का पालन नहीं होता, असृष्टान्नम, जिस यज्ञ में अन्नदान नहीं किया जाता,
अन्नदान ये यज्ञ का अविभाज्य अंग है। भोजन प्रसाद ठीक रूप से अच्छी तरह से होना ही चाहिए, तभी यज्ञ होता है। मंत्रहीनम, जिस यज्ञ में मंत्र बोला नहीं जाता, प्रत्येक देवता का अलग अलग मंत्र होता है, वो आहुति देते समय उस मंत्र का उच्चार करके, स्वाहा का उच्चार करके दिया जाता है। यहां कई लोगों ने देखा एक ही मंत्र बोल के सब गायत्री मंत्र बोलते जाओ करते जाओ। अरे नहीं, गायत्री मंत्र अपने आप में श्रेष्ठ है, उसमें कोई शंका नहीं, लेकिन सब देवताओं के लिए वही विधि पूर्वक नहीं है, इसका दोष लगता है। करने वाले को भी दोष लगता है, कराने वाले को तो और बड़ा दोष लगता है। ऐसी बातों से बचें। तो मंत्रहीनम अदक्षिणम, जिस यज्ञ में दक्षिणा नहीं दी जाती वो यज्ञ तामसी कहा गया है। कोई भी यज्ञ, द्रव्य यज्ञ जो चौथे अध्याय में भगवान ने बताए थे, द्रव्य यज्ञ करो, तप यज्ञ करो, ज्ञान यज्ञ करो, स्वाध्याय यज्ञ करो, जप यज्ञ, कोई भी यज्ञ हो, दक्षिणा के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता है। अदक्षिणा ये तामसी यज्ञ है। श्रद्धा विरहितम यज्ञम, कृष्ण कहते हैं जिसमें श्रद्धा नहीं होती, ये सब तामसम परिचक्षते, वो तामसी यज्ञ है। तप के प्रकार बताए अब, और तप में भगवान शारीरिक तप, वांग्मयीन तप और मानस तप बोलते हैं, बताते हैं। उसके बाद फिर सात्विक राजसी तामसी तप भी बताएंगे। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरं तप उच्यते। देवता का पूजन, द्विज ब्राह्मण का पूजन, गुरु का पूजन और प्राज्ञ अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति का पूजन, ये चार तत्व ऐसे हैं प्रिय स्वजनों जिनका समाज पर बहुत बड़ा ऋण है। इसलिए भारतीय संस्कृति ने देव, ब्राह्मण, गुरु और बुद्धिमान व्यक्ति प्राज्ञ पुरुष उनकी महिमा की है, क्योंकि ये चार की वजह से हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति टिकी है, फैली है, समाज में मूल्यों की स्थापना बनी हुई है। दिस वैल्यूज हैव बीन प्रिजर्व्ड बाय देव। देव कौन है? द्यू। द्यू शब्द का अर्थ होता है तेजस्वी, जो गुणों से, कर्म से, ज्ञान से तेजस्वी है, वो देव है। द्विज ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने का प्रयास करता है, ब्रह्म को समझाने का प्रयास करता है, वो ब्राह्मण है। गुरु अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर गति कराता है, वो गुरु है। और प्राज्ञ बुद्धिमान व्यक्ति जो शास्त्रों का अध्ययन करके, चिंतन मनन निदिध्यासन करके, सरल से सरल भाषा में लोगों तक उसको कैसे पहुंचाया जाए ताकि लोगों को शास्त्र के प्रति श्रद्धा निर्माण हो और वो स्वयं शास्त्र का अध्ययन करने के लिए प्रेरित हो। प्राज्ञ पर्सन इज द वन हु स्टडीज द स्क्रिप्चर, एक्सप्लेन्स इट इन सच अ लूसिड लैंग्वेज दैट पीपल आर इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड टू स्टडी द स्क्रिप्चर इन डिटेल। ऐसे लोगों के बहुत उपकार है समाज पर। इनका पूजन करना, शौच पवित्रता से रहना, आर्जव सरल होना जीवन में, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये सब शारीरिक तप माने गए। ये शरीर का तप है। देखो यहां भूखे रहने की बात नहीं आई, यहां शरीर को कष्ट देने की बात नहीं आई। कुछ लोग कांटे वाले आसन पर बैठते, मैंने देखा है ये सब भाई। और दुख तब हुआ कि ये सब जादू देख के लोग प्रभावित हो जाते हैं। वो महाराज जी तो 20 साल से कांटे वाली आसन पर ही बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? जरूरत क्या है ये करने की? आसन में खिले ठोके हुए, कांटे लगाए हुए। अरे
ये सब भगवान को पसंद नहीं है, ये लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, और वो भी अमुक एक कक्षा के लोगों को इम्प्रेस, बुद्धिमान व्यक्ति ये सबसे इम्प्रेस नहीं होता, शारीरिक तप है। वांग्मयी तप कौन सा? वाणी का तप, अनुद्वेग करम वाक्यम, किसी को उद्वेग न हो ऐसा वाक्य बोलना। सत्यम प्रिय हितं चयत, सत्य भी बोलना और प्रिय भी बोलना और सामने वाले का कल्याण करने वाला बोलना, ये ध्यान से सुनना। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, उनकी वाणी बड़ी कटु होती है, कड़वी होती है, फिर वो अपने आप को जस्टिफाई करते कहते हैं हम तो सत्य बोलते हैं ना इसलिए कड़वा लगता है। आवश्यक नहीं है कि सत्य कड़वा ही लगे। सत्यम प्रिय हितं चयत, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, मा ब्रूयात सत्यम अप्रियम। शास्त्र कहते हैं सत्य तो बोलो ही लेकिन प्रिय तरीके से बोलो, सत्य को भी कठोर बना के मत बोलो। और जो भी कहते हो इसमें एक बात तो स्पष्ट होनी चाहिए, सामने श्रोता का कल्याण हो ये भावना होनी चाहिए। केवल उसको सुना दें, उसको ये कर दें, उसको जवाब दे दें, ऐसे ये भावना से नहीं होना चाहिए। जो भी कहा जाता है मन में ये भाव हो कि जो मेरा श्रोता है मेरी बात को सुन रहा है उसका कल्याण होना चाहिए। हितम, भगवान ने भी भगवद्गीता में कहा है ना, वक्ष्यामि हितकाम्यया, मैं तेरे कल्याण के लिए कह रहा हूं अर्जुन। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव, और जो भी बात कहो शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, प्रमाण के साथ होनी चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स। तो वो वांग्मयीन तप है, वाणी का तप है। और मन का तप क्या है? मानसिक तप। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मनः प्रसाद, मन की प्रसन्नता, ये मानसी तप है। वाह वाह रे मौज फकीरादि, जब भी रहो प्रसन्नता से रहो। क्या चला गया, क्या बिगड़ गया, कुछ नहीं बिगड़ता है। अपनी प्रसन्नता, अपनी भीतर की शांति, उसको खंडित मत करना। नथिंग इज मोर प्रेशियस देन योर ओन एक्सटेसी ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ माइंड। छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब मत हो जाओ, ये मानसिक तप है आपका। मन की प्रसन्नता को बनाए रखो। सौम्यत्वम, सौम्य रहो, सॉफ्ट रहना चाहिए, बहुत कठोर मत बनो। मन प्रसाद सौम्यत्वम, मौनम, ये मन का तप है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जीवन में जो हमें ठीक नहीं लगती, लोगों का बोलना, कुछ लोगों का व्यवहार, तो सबके साथ विरोध करना आवश्यक नहीं है प्रिय सुजन। मौन रह जाओ, हो सके तो थोड़ा सूचन कर लो, सामने वाला व्यक्ति समझ जाए, मान ले, अच्छी बात है, न माने मौन हो जाओ। डोंट वेस्ट योर एनर्जी। और मौन का अर्थ केवल शब्द से मौन होना ये नहीं है, प्रत्येक इंद्रिय का मौन है। कुछ बातों को आंखें बंद करके इग्नोर करो, कुछ बातों को सुनना ही नहीं है, सुनकर भी अनसुनी कर दो। कान पे शब्द तो पड़ेगा, अनसुनी कर दो उसको, वो कान का मौन है। ये प्रत्येक प्रकार का यदि मौन व्यक्ति रखेगा, ये मानसिक तप है, इससे मन को बहुत शांति मिलती है। बार बार जिसके ऊपर आघात होते रहे ना, वो मन बेचारा दुर्बल पड़ जाता है। मन को दुर्बल मत होने देना। इंद्रियों के संयम से मौन प्राप्त होता है, जो मन की शक्ति बन जाता है। तो मौनम,
आत्मविनिग्रह अपना संयम। एक बात बड़े दृढ़ रूप से मानता हूं प्रिय स्वजनों, संसार को हम केवल सूचन कर सकते हैं, हम बदल नहीं सकते। बदल सकते हैं तो केवल स्वयं को बदल सकते हैं, और जिस समय हम स्वयं बदल जाएंगे पता चलेगा संसार अपने आप बदलने लगा है, और फिर वो संसार हमें समस्या नहीं देता, हमें अस्वस्थ नहीं करता, हमें विचलित नहीं करता। स्वयं को बदलो, आत्मविनिग्रह। भाव संशुद्धि नित्येतत्, और भाव संशुद्धि एक बात है, सभी के प्रति हमारे मन में अच्छा भाव होना चाहिए। बस हमें समझे उसके प्रति तो भाव श्रेष्ठ होगा ही, हमें न समझे कोई बात नहीं, वहां आत्म विनिग्रह कर दो, इंद्रियों का संयम कर दो, मौन धारण कर लो, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति अपना भाव खराब नहीं होना चाहिए। क्योंकि याद रहे, भाव अंतःकरण में होता है। हम जब दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं तो उस गंदगी तो हमारे अंतःकरण में होती है ना। किसी के ऊपर कीचड़ उछालना होगा तो उछाल कर उसके ऊपर जाए न जाए, उसके कपड़े खराब हो न हो, वो सेकेंडरी बात है। अपने हाथ तो मैले हो गए ना फेंकने के लिए, कीचड़ जब हाथ में लिया तो। सामने वाले पर कीचड़ पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वो सेकेंडरी, अपने हाथ तो गंदे हो गए। जब किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो उसका परिणाम क्या आएगा वो तो बात की बात है, आपके अंतःकरण में तो बुराई आ गई ना, क्यों लानी है। भाव संशुद्धि ये मानसी तप है। फिर सात्विक, राजसी और तामसी तप कहे, 17, 18 और 19 ये तीन श्लोकों में। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत त्रिविधन नरैहि, श्रद्धा से, और वो भी परया श्रद्धा, परम श्रद्धा से जो तप किया जाता है, विशेष करके जो अफलाकांक्षी भी, फल की अपेक्षा के रहित जो तप किया जाता है वो सात्विक तप है। बार बार भगवद गीता में श्री कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग की महिमा बताई है, तो तप के बारे में भी, जब वो निष्काम होगा, फल की अभिलाषा के रहित तप होगा तो वो सात्विक माना गया है। राजसी तप कौन सा है, सत्कार मान पूजार्थम, सत्कार के लिए तप किया जाए, मान के लिए किया जाए, लोग हमारी पूजा करें, लोग हमारा आदर करें, सम्मान करें, वाहवाही करें, उसके लिए जो तप किया जाता है। इसलिए देखो कुछ लोग करते हैं ना, इतने दिनों का, 10 दिन का 15 दिन का उपवास किया, फिर पेपर में फोटो छपेगी, लोग आएंगे, उनको फूल की मालाएं पहनाएंगे, ये सत्कार के लिए हुआ तप, ये राजसी तप है। दंभे न चैवयत, दंभ से, केवल दिखावे के लिए जो किया जाता है वो राजसी तप है। क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम, और ये तप कैसे होते हैं, चलम और अध्रुवम, वो तप भी बड़े चलित होते हैं और उसका परिणाम भी बहुत लंबा टिकने वाला होता नहीं है। तामसी तप कौन से हैं, मूढ़ग्राहेणात्मनो यत पीड़या क्रियते तप, मूढ़ता से बस पकड़ लिया, जिद से पकड़ लिया, नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, चारों तरफ अग्नि जला करके बीच में बैठेंगे, ये सब मूढ़ता के लक्षण, पीड़ा के लिए किया जाता है। या परस्योत्सादनार्थम, वा दूसरे का नुकसान करने के लिए, दूसरे को नीचे गिराने के लिए जो किया जाता है तप, वो तामसी तप किया गया, कहा गया है। 20, 21 और 22 ये तीन श्लोकों में प्रिय स्वजनों भगवान ने दान के प्रकार बताए हैं, सात्विक, राजसी और तामसी दान कौन सा है। बहुत सुंदर है मेरे प्रिय श्लोकों में ऐसे, और समझने जैसा है। हम सब लोग प्रिय स्वजनों, भगवान ने हम पर कृपा की है और हम सब जानते भी हैं कि प्रभु ने हमें दिया है तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमें दूसरे को देना चाहिए। भगवान ने दिया हुआ केवल भर के नहीं रखना चाहिए, वो तो सबको पता है, अब ये बताने की बात तो है नहीं, और सब लोग अपने अपने तरीके से दान पुण्य करते हैं। लेकिन यहां भगवान बताते हैं
सात्विक दान कौन सा? दातव्यमिति यद दानम, मेरा कर्तव्य है, मुझे देना है, ये संकल्प करके जो दिया जाता है। और दीयते नुपकारिणे, सामने वाले पर उपकार कर रहे हैं ये भाव नहीं आना चाहिए। कई बार कथाओं में कहा है व्यासपीठ से, देने वाले के मन में अहंकार न हो और लेने वाले के मन में लाचारी मायूसी न हो, तब समझना कि दान ठीक से हुआ, योग्य हुआ। हम दे रहे हैं, हम न करते तो कैसे चलता, अरे तुम्हारा क्या होता, तुम्हारा जीवन कैसे चलता। प्रिय स्वजनों, हम होते कौन है किसी का जीवन चलाने वाले? कीड़ी को कर्ण और हाथी को मण देने वाला परमात्मा स्वयं खड़ा है, हम होते कौन है? तो किसी पर उपकार कर रहे हैं ये भावना से मत लीजिएगा। वस्तुतः आनंद होना चाहिए कि मुझे देने का कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ, कुछ मौका प्राप्त हुआ, अवसर प्राप्त हुआ, और वह भी योग्य व्यक्ति को दे सकूं ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। तो ये हमारा सौभाग्य मानना चाहिए कि हम देने के लिए सक्षम हुए और ये मौका मिला। ये सात्विक दान है। देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम, योग्य स्थान पर, योग्य समय पर और योग्य व्यक्ति को जो दिया जाता है वो सात्विक दान होता है। इससे मैंने कथाओं में शास्त्र के आधार पर कहा है। प्रिय स्वजनों, जब भी आप कोई धार्मिक आयोजन करें तो जो भी विद्वान ब्राह्मण आपके यहां आता है, योग्य समय पे दिया जाना बहुत आवश्यक है। कथाओं में मैंने आप पुराने कथाएं YouTube चैनल पूज्य श्री भाई पर होगी, आप देखना, उसमें मिलेंगी ये बातें। ये कोई पहली बार नहीं कह रहा हूं मैं। पुत्री का विवाह या पुत्र का विवाह कराया, लखलूट खर्च किया और विवाह विधि संपन्न हो गई। विवाह कराने वाले जो पंडित जी हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, वो कहें हम चलें, हाँ, और उनको दक्षिणा देनी होती है। वो महाराज जी ऐसा करना, जरा अभी थोड़ा बिजी हूं, अगले हफ्ते ऑफिस पे आ जाना। अरे वो तुम्हारी ऑफिस पे क्यों आए? वो बेचारा आप दक्षिणा के लिए चक्कर काटेगा तुम्हारे वहां? नहीं होना चाहिए। कार्य पूरा हुआ, सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक, देशे काले च पात्रे च, योग्य स्थान पर, योग्य समय पर और योग्य व्यक्ति को जब दान दिया जाता है वो सात्विक दान माना जाता है। उसमें जितना विलंब करते हो उतना वो दान का पुण्य कम होते जाता है। शिव पुराण में वर्णन करते समय मैंने ये बताया, आप देखना उसमें, शास्त्र के आधार पर मैंने बताया कि जितना विलंब करते हो उतना वो दान फिर बढ़ते जाता है, अन्यथा दोष लगता है। कहीं पर भी, प्रिय स्वजनों, मैं तो बहुत जनरलाइज बात करूंगा, ये तो ठीक है यहां दान की बात है इसलिए दक्षिणा की बात है, नहीं तो जहां भी जिस व्यक्ति को योग्य देना है उस समय पर दे दो तो उसकी शोभा है। आप डॉक्टर की ऑफिस में गए तो उसकी फी वहां पर दे दो ना। फिर डॉक्टर साहब 2 महीने के बाद देंगे, 6 महीने के बाद देंगे, क्या फायदा 2 महीने के बाद दे करके? आपका गौरव बना रहेगा। योग्य समय पर उसको जो अधिकार है दे दो उसका, तो आपका भी सम्मान बना रहेगा, सामने वाले व्यक्ति का भी गौरव बना रहेगा। देशे काले च पात्रे च बहुत महत्वपूर्ण है। योग्य संस्थान पर, योग्य समय पर और योग्य पात्र को तुरंत उसका सम्मान कर देना चाहिए। ये दान जो है वो सात्विक दान कहा गया है। पात्रे च का अर्थ उस पात्र के गौरव के अनुसार देना चाहिए। जो सामने व्यक्ति है उसका ज्ञान, उसकी प्रतिष्ठा, उसको ध्यान में रखते हुए उसका सम्मान करना चाहिए। कोई मल्टी मिलियनेयर या मल्टी बिलियनेयर
की पुत्री का विवाह हो तो उसमें जाकर के आप $11 करते हो दक्षिणा में, दक्षिणा क्या कहेंगे वो व्यवहार जो भी करते हो वो करोगे तो इधर मूर्खता है, उससे तो बेहतर है कुछ मत करो। ऐसे श्रीमंत पिता की पुत्री है, जिस प्रकार का ठाठ माठ लगाया हुआ है, तो जो भेंट अर्पण करो वो भी उसके हिसाब से होनी चाहिए, उसके स्टेटस के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसे जिसका भी सम्मान करो उस व्यक्ति के ज्ञान से, उसके गौरव के हिसाब से, उसको भी कहते हैं देशे काले च पात्रे च, जो पात्र है उसका विचार करके आप सम्मान करो, तो वो सात्विक दान माना गया है। राजस दान कौन सा है? यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः, प्रत्युपकार के लिए, अभी मैं इतना दे रहा हूं मुझे क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा, वो गिव एंड टेक। कुछ लोग है ना सब जगह पे सौदा ही करते रहते हैं, उनके हिसाब ही चलते रहते हैं सब जगह, ये राजस दान है। दीयते च परिक्लिष्टम, कष्ट दे करके देते हैं, देना तय भी क्या होगा तो चार चक्कर कटवाएंगे। कोई चैरिटी के लिए भी, कोई अच्छा मंदिर बन रहा हो, अच्छा अस्पताल बन रहा हो, स्कूल बन रहा हो, उसमें भी डोनेशन करना हो और वो कार्यकर वॉलंटियर्स आए, हाँ देखते हैं, सोचते हैं, जरा अगले इतवार को आना, नेक्स्ट संडे को आना, 15 दिन के बाद फोन करना, ऐसे चक्कर कटा के क्यों देते हो ऐसा परिक्लिष्ट, उस व्यक्ति का समय एफर्ट्स क्यों बिगाड़ते हो इसे, प्रसन्नता से दे दो जो देना चाहते हो, नहीं तो ये सब चक्कर कटवा के क्लेश दे करके कर रखते, वो राजसी दान माना गया है। और तामस दान, अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते, योग्य स्थान पर नहीं दिया जाता, योग्य समय पर नहीं दिया जाता। मैंने कहा ना जैसे अगले हफ्ते आ जाओ, 15 दिन के बाद आ जाओ, वो समय चला गया जो देना था, वो योग्य समय पर नहीं किया और योग्य पात्र को भी नहीं दिया, पात्र की योग्यता के अनुसार नहीं दिया और योग्य पात्र को नहीं दिया। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनकी प्रशंसा करे, उनको हवा डाले, ओहो सेठ जी, आप सेठ जी, आप सेठ जी, आप तो सेठ जी, खुश होकर दे देते हैं, फिर लेने वाला चला जाए, बाद में सेठ जी को पछताव होता है, जरा ज्यादा दे दिया, इतना न दिया होता तो अच्छा होता। ये तामसी दान है, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया सेठ को तो सेठ ने लिख दिया चेक, ये अपात्रे है, योग्य एक दूसरे की शर्म में डाल के दिया जाता है, जो इन्होंने इतना किया है तो आपको इतना करने का, उसने ऐसा किया है तो ये आप करो। ये कुछ लोग बड़े कुशल होते हैं उसमें, लेकिन ये योग्य नहीं है, जो तामसी दान है। असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामस उदाहरतम, अवज्ञातम महिमा जाने बिना या सामने वाले का अपमान करने की भावना से जो दिया जाता है वो तामसी दान है। प्रिय स्वजनों, 23 और 24वें श्लोक में, 25वें श्लोक में भगवान ने हम सभी के लिए बहुत सुंदर सूचन किया है। मैं तो इस सूचन का पालन करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप ये जो भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, आप भी इसका पालन करें। प्रिय स्वजनों, प्रत्येक कर्म जो हम करते हैं उसका बंधन तो निर्माण होता ही है। कर्म मात्र बंधन कर, वो बंधन फिर जैसा कहा था लोहे की चेन हो, चांदी की चेन हो, या सोने की चेन हो, सुवर्ण की हो, सुवर्ण की श्रृंखला से बंधा हुआ बंधन तो बंधन ही है। सोने के पिंजरे में बंद पंछी तो बंधन में ही है। अब पिंजरा लोहे का पिंजरा हो या सोने का पिंजरा हो, फर्क क्या पड़ता है, पिंजरा पिंजरा है, बंधन बंधन है। प्रत्येक कर्म बंधन निर्माण करता है। समझदार व्यक्ति एक ऐसी स्थिति पर आते हैं, वो कहते हैं कि हम कर्म तो करें, सत्कर्म करें, लेकिन बंधन निर्माण ना हो। ये कैसे होगा? श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में 23, 24 और 25वें श्लोक में भगवान ने ये बात कही, आने वाले 3-4 श्लोकों में। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधस्मृतः,
ओम तत् सत, यह जो निर्देश है, आई विल रिपीट, ओम तत् सत, ये जो निर्देश है ये तीन प्रकार का ब्रह्म माना गया है। ब्रह्मणस त्रिविध स्मृतः, ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। वेद, यज्ञ, ये सब ज्ञानी ब्राह्मणों ने इसमें से ये प्राप्त करके ये तीन ओम तत्सत में इसके बार बार प्रयोग होता है। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सरतम ब्रह्मवादिनां। जो ब्रह्मवादी हैं, सिंसियर लोग हैं, ब्रह्म की अनुभूति के लिए लगे रहे हैं, जेन्युइनली उपासना करते हैं, न कोई दिखावे के लिए करते हैं, न कोई दंभ के लिए करते हैं, न अपने अहंकार की पुष्टि के लिए करते हैं, केवल स्वयं का विकास करता है, करना है, जीवन की यात्रा को सफल करना है, इस हेतु से ब्रह्मवादी ना जो लोग हैं वो कर रहे हैं, वे हमेशा प्रत्येक कर्म में इति उदाहृत्य, यज्ञ करें आप, दान करें, तप करें, कोई भी कर्म करें, ओम तत्सत, बस इतना कर दें। ये कर्म अपने आप सात्विक हो जाएंगे, ये कर्म अपने आप दिव्य हो जाएंगे, ये कर्म आपके लिए बंधन करता नहीं बनेंगे। गलत तो कर्म हम करते ही नहीं है, लेकिन जो सत्कर्म, क्योंकि कर्म तो करना पड़ेगा, भगवान ने कहा है शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धिये न कर्मणः, कर्म नहीं करेंगे तो शरीर भी नहीं चलेगा, इसलिए कर्म तो करने हैं, लेकिन कर्म करके भी बंधन निर्माण न करना हो। लोहे का पिंजरा तो नहीं चाहिए प्रभु, सुवर्ण का पिंजरा भी नहीं चाहिए, अब तो ये पंछी मुक्त गगन में उड़ना चाहता है। तो जो भी कर्म करें, ओम तत्सत। यज्ञ किया, नमस्कार करके उठते समय ओम तत्सत, और मन में प्रभु कृष्णार्पणमस्तु, प्रभु ये तुझे अर्पण। दान किया, अच्छी से अच्छी तरह से करें दान, और दान करते समय ओम तत्सत, मैंने जो मेरा कर्तव्य था निभाया प्रभु, ये दान का बंधन खड़ा नहीं करना है कुछ, अब मुक्ति चाहिए, और भक्ति मार्ग में प्रभु अब तेरे चरणों में स्थान चाहिए। सत्कर्म करेंगे उसका पुण्य निर्माण होगा, वो पुण्य का फल सुख भुगतने के लिए भी नहीं आना है, कन्हैया बस तेरी शरणों में रहना है, ये भाव जिसका होगा। यज्ञ करें, दान करें, तप करें, ओम तत्सत, कृष्णार्पणमस्तु, ऐसा करके मन से मुक्त हो जाएंगे बस। और ये जो हो जाए, तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाच विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। जो मोक्ष के आकांक्षी होते हैं वो ऐसे करते हैं, सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते। सद्भाव जो होता है, साधु सरलता का भाव होता है, वहां पर सत तत्व का उपयोग होता है, प्रयुज्यते उसका प्रयोग होता है। प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। जो कर्म की प्रशंसा होनी चाहिए होती है, वहां भी सत शब्द, ये सत्कर्म है, ये प्रयुज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते। यज्ञ, तप, दान, इसमें जो स्थिति है वो सत मानी गई है,
कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। ये सारे कर्म प्रिय स्वजनों सत्कर्म है, और उस ओम तत्सत बस ये भाव से परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो अर्जुन का प्रश्न था पहले श्लोक में कि विधि यदि व्यक्ति छोड़ दे लेकिन श्रद्धा से करे तो क्या परिणाम होता है, भगवान ने कहा श्रद्धा से जो करे उसी को परिणाम मिलता है, बाकी अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं चयत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रियत्य नोहि। बिना श्रद्धा से व्यक्ति हुतम आहुति दे, यज्ञ करे, दान करे, तप करे, कर्म करे, वो सब असदित्युच्यते, वो असत ही है, और जो असत है उसका न तो यहां फल मिलता है न प्रेत्य, न मृत्यु के बाद न परलोक में उसका फल मिलता है। तो जीवन में जो भी कर्म करें प्रिय स्वजनों, 17वें अध्याय के आधार पर कहूं, भोजन भी करें, यज्ञ करें, दान करें, तप करें, वो पहली बात तो विधि पूर्वक करें, श्रद्धा से करें, और श्रद्धा से करने के बाद ओम तत्सत ऐसा कहके परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें, कृष्णार्पण कर दें, ताकि वो कर्म बंधन करता न बने। और ऐसा जब व्यक्ति करता है तो ही वो मोक्ष का अधिकारी होता है। परमात्मा की कृपा हम सभी पर बरसती रहे, यह सद्भावना के साथ 17वें अध्याय को प्रणाम करें। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।